हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लास आपके पास आई एम मोहन सर आज से स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ब्रांच का बताने जा रहा हूं और स्टार्ट करने जा रहा हूं वह सब्जेक्ट है शायद एक्टिविटी से आप प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे या नहीं कर पाए हैं तो देखिए आपके पास सब्जेक्ट है वह हाइड्रोलिक्स देखिए स्टूडेंट्स यह आपके लिए न्यू टर्म्स है हाइड्रोलिक्स और यह इंजीनियरिंग ब्रांच का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बिना आपका लाइफ ही नहीं है जैसे आप सुनते हैं जल ही जीवन है वही जल ही जीवन हाइड्रोलिक्स है स्टूडेंट्स हम लोग जो अभी बोल रहे हैं चल रहे हैं दैट मीन्स वी कैन से दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स इन्वयरमेंट में आप जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो या तो पेड़ पौधा हो प्लांट हो एनिमल हो या हम लोग ह्यूमन बीइंग हो सब क्या है जल ही पर डिपेंड है जल ही जीवन है मीन्स हम लोग के शरीर में अगर ब्लड है वो भी क्या है हाइड्रोलिक्स ही है फ्लूड ही है इस प्रकार कैसटेंस या हाइड्रोलिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का होता है वह किसी भी का स्टूडेंट्स क्यों नहीं हो सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल किसी भी फील्ड का हो तो खास करके तीन फील्ड वाले को तो हाइड्रोलिक्स की नॉलेज लेना है क्योंकि आप देख जानते हैं कि कहीं पर भी डेली लाइफ में आप देख रहे हैं जल लेते हो या शरीर में ब्लड है या नंबर ऑफ अप्लीकेशंस है हाइड्रोलिक्स मशीन का आप नाम सुन रहे हैं आज के डेट में हाइड्रोलिक लिफ्ट है या हाइड्रोलिक डिवाइस है देखते हो बुलडोजर हो गया क्रेन वगैरह है सब क्या है लिक्विड पर ऑपरेट होती है फ्लूड पर ऑपरेट होती है तो डैट मीन्स हाइड्रोलिक्स का आप अप्लीकेशन देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंस है और इसकी जो हम लोग डिवाइस में या मशीनरी में जो यूज करते हैं कुछ प्रिंसिपल पर है कुछ लॉ पर है उसके बारे में हम लोग डिटेल जो है इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे यूनिट बाय यूनिट और लेक्चर बाय लेक्चर तब मैं आपको आज लेक्चर देखिए आपके पास जीरो जीरो दिख रहा है डैट मीन्स आज मैं आपको कोई लेक्चर नहीं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज आपको हाइड्रोलिक्स क्या है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसमें कितनी यूनिट के साथ हम लोग नॉलेज को जो है इनहेंस करेंगे उसके बारे में आपको ओवरव्यू बताने जा रहा हूँ दैट मींस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवरव्यू ऑफ द हैड्रोलिक्स सिलेबस आज मैं आपको हाइड्रोलिक्स सिलेबस का ओवरव्यू बताने जा रहा हूँ ओके तो आज का आपके साथ स्टार्टिंग लेक्चर है हाइड्रोलिक्स का सिलेबस ओवर भी हो इस प्रकार का स्वयं हाइड्रोलिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है वह दो वर्ड देखिए आपके पास क्या है यह दो वर्ड है स्वेंस उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिक्स जो है यह आपके पास देखिए हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलिक्स यह हाइड्रोलिक्स ग्रीक वर्ड है स्वयेंस दिस इज द ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड से बना हुआ है ग्रीक वर्ड है ग्रीक वर्ड में यह दो कम्बिनेशन uh, से बना है एक हाइडर हो गया हाइडर हो गया यह हाइडर मीन्स हो गया वाटर हाइडर मीन्स वाटर और एक आपका रोलिक्स हो गया एरोलिक मीन्स होता है पाइप तो जब हमारा वाटर किसके थ्रू होगा कोई पाइप से जैसे आप कोई पाइपलाइन लेते हो पाइपलाइन से फ्लूड की हमारा क्या होती है फ्लो होती है हम लोग के भी शरीर में अगर फ्लूड की जो फ्लो हो रही है तो आप जानते हो कि नंबर ऑफ क्या होती है भैन होती है भैन के थ्रू फ्लो होती है ओके इस प्रकार के डेली लाइफ में आप जितनी प्रकार के देखेंगे कोई पाइपलाइन से या कोई चैनल से या कहीं से इवेन की आज के डेट में आप देखते हो मल्टी स्टोरेट बिल्डिंग होती है बहुमंजली मकानें होती है और वहाँ पर वाटर टैंक होती है कहाँ पर रूफ पर छत पर सिंटेक्स वगैरह और उसके सहारे आप क्या करते हो पाइपलाइन लेकर ले ले के आप किचन से लेकर के बाथरूम से लेकर कर एवरी प्लेसेज में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करते हो देश तो क्या है वह पाइपलाइन से ही उसकी वाटर की क्या हो रही है फ्लो हो रही है ओके तो इस प्रकार के हाइड्रोलिक्स जो है हमारा वाटर की फ्लो जिस सिस्टम से होगा हाइड्रोलिक्स को हम लोग डिफरेंट वर्ड से जानते हैं फ्लूड नाम से भी जानते हैं फ्लूड का जो हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे कुछ प्रिंसिपल पर होगा उसको फ्लूड मैकेनिक्स बोलते हैं आई बात समझ में तो हाइड्रोलिक्स की डेली लाइफ में क्या इंपोर्टेंस आप समझ गए अब हम लोग इसमें यूनिट बाय यूनिट हम लोग कवर करेंगे कि कितनी यूनिट हमको इसमें स्टडी करनी है तो यहाँ देखिए एक्टिविटी में स्वेंस दिख रहा है यहाँ वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा है वाटर इजी से गिर रहा है जैसे भिस्कोसिटी एक टर्म आपके पास दिख रहा है यह वाटर की फ्लूड की फ्लो का इन्फ्लुएंस को पता चलता है जैसे आप देखेंगे कहीं पर वाटर की फ्लो करो या किसी पाइपलाइन से एक हनी को फ्लो करो किसी पाइपलाइन से एक ऑयल को तेल को फ्लो करो तो फास्ट तो कौन मूव करेगा वाटर फास्ट मूव करेगा क्योंकि उसमें विस्कोसिटी कम है उसके बाद तेल का फ्लो होगा उसके बाद हनी का फ्लो होगा तो दैट मीन्स विस्कोसिटी एक हमारा क्या है फ्लूड के फ्लो का इन्फ्लुएंस का किसमें कितनी भिस्कसिटी है उसकी फ्लो पर डिपेंड करता है इस प्रकार के हम लोग डिटेल जो है यूनिट वन में देखेंगे प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इस प्रकार का स्वयं हम लोग यूनिट बाय यूनिट लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग होल सिलेबस को कवर करेंगे और तब आप गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमें हाइड्रोलिक्स की नॉलेज है क्योंकि आप जानते हैं नॉलेज इज़ स्ट्रेंथ जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा तो आप अपने आप को ताकतवर महसूस करेंगे और आप कहीं पर भी किसी प्लेस में भी आप सीना चौड़ा करके आप वहाँ रहेंगे कि नहीं हम पढ़ाई किए हैं हमें नॉलेज है आप कहीं पर भी किसी डिबेट में कहीं किसी क्विज कंटेस्ट में कहीं कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन में आप अच्छी तरह से उसको टेकल कर सकते हैं तो चलिए हम लोग यूनिट बाय यूनिट देखेंगे कि क्या क्या यूनिट में हमको किस प्रकार की जो है पैरामीटर्स को स्टडी करनी है डिटेल में हम लोग पाएंगे देखेंगे तो आप हमारे एकेडमिक से नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक से चैनल से जुड़े रहें और आप इसकी स्टडी करें तो आप क्या होंगे एक साउंड नॉलेज पाएंगे हाइड्रोलिक्स का आप मास्टर हो जाएंगे तो लेटेस्ट सी इन डिटेल यूनिट वन प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अब देखिए स्टूडेंट प्रेशर मेजरमेंट है आप है होंगे ब्लड प्रेशर जैसे मैं बताया कि ब्लड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक्स तो जब हुमेन बीइंग में ब्लड प्रेशर होती है मीन्स क्या ब्लड की फ्लो का हम लोग क्या कहते हैं डिटरमिन करते हैं है, उसकी रेट का पता करते हैं तो इस पर क्या क्या स्टूडेंट्स क्यों प्रेशर मेजरमेंट आप जानते हैं कि कोई भी फ्लूड कहीं पर भी होती है तो उसको स्टोर करने के लिए हमें क्या चाहिए बर्तन चाहिए कंटेनर चाहिए भेसल चाहिए और जब भेसल में आप स्टोर करोगे तो कितना क्वांटिटी में है वो अपना प्रेशर तो एग्जैक्ट करेगा ही स्टूडेंट्स जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लिया जाए कि दिस इज अ कंटेनर या एक कंटेनर है इस कंटेनर में आपने क्या लिया वाटर लिया इसमें आप क्या करो एक वाटर ले लो एक फ्लूड मैंने ले लिया ओके यह फ्लूड है तो दिस इज द कंटेनर यह क्या हो गया कंटेनर कंटेनर जिसको आप भीसल भी बोलते हैं तो जैसे आप देखते हो घर में बाल्टी में बकेट में वाटर स्टोर करते हो या आप देखते हो दूध होगा के लिए केन में लाते हो जार में लाते हो तेल जार में लाते हो क्या है एक भीसल है कंटेनर है जब हम यहाँ पर क्या किए कि जब आप यहाँ देख रहे हो कि फ्लूड है या वाटर है दिस इज द वाटर तो यह वाटर है स्टूडेंस मान लीजिए वाटर क्या है यहाँ सपोर्टिंग वॉल में दिस इज द सपोर्टिंग वॉल यह दोनों क्या है एक प्रकार के सपोर्टिंग वॉल है सपोर्टिंग वॉल है यह सपोर्टिंग वॉल है स्टूडेंट्स यहाँ देखिए वॉल पर भी अपना प्रेशर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है क्या कर रहा है प्रेशर लगा रहा है अगर यह वाल नहीं रहती तो वाटर फैल जाता है फ्लैट सरफेस में सरफेस पर फैल जाता नहीं जैसे आप देखते हो कोई ग्लास में वाटर है या कोई बकेट में है स्टोर करके रखे हो जब वो हमारा कहीं ग्लास टूट गया बकेट फूट गया तो देखो वाटर फैल जाता है फ्लैट सरफेस में यहाँ जब वाटर देख रहे हो कि सरफेस पर भी हमारा क्या है प्रेशर लगा रही है यहाँ पर क्या लगा रहा है स्टूडेंट्स प्रेशर लगा रहा है और बॉटम में भी प्रेशर लगा रहा है नहीं और यह पार्ट तो ओपन है ओपन है तो ओपन में कोई प्रेशर नहीं होगी प्रेशर कहाँ होगी जितनी डेप्थ बढ़ते जाएगा उतना प्रेशर इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा तो यूनिट वन में हमें क्या पढ़ना है प्रेशर कि कौन वाल में कितनी प्रेशर एक्ट हो रही है प्रेशर फोर्स कितना एक्ट हो रही है उसको हम लोग यूनिट वन में स्टडी करेंगे डिटेल में और उसका हम लोग जो है प्रेशर मेजरमेंट करेंगे और वो प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस होती है डिफरेंट डिवाइस होती है जैसे हम लोग के शरीर में ब्लड है स्वयं ब्लड को मेजर करने के लिए आप जान रहे हैं क्या होती है उस डिवाइस को क्या नाम है इस्फिग्नोमोमीटर Aspigno इस्फिग्नोमीटर बोलते हैं तो इस्फेग्नोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर में करते हैं इसी प्रकार के इंजीनियरिंग फील्ड में आप जहाँ पर भी इंडस्ट्री हो या डोमेस्टिक अप्लिकेशन हो या आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो या कॉमर्शियल प्लेसेज हो एवरी प्लेसेज में फ्लूड की काम होती है और वहाँ पर क्या क्वांटिटी है कितनी प्रेशर एक्ट हो रही है क्या चाहिए उसको हम लोग कुछ ना कुछ डिवाइस से मेजर करेंगे उस डिवाइस के बारे में हम लोग इस यूनिट में कवर करेंगे वो डिफरेंट डिवाइस का नाम क्या है मैनोमीटर है मैनोमीटर में भी डिफरेंशियल मैनोमीटर वगैरह है डिफरेंट डिवाइस है तो हम लोग डिटेल इसमें पाएंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मान लो कहाँ पर क्या एक्ट हो रही है तो इस प्रकार के आपके पास यहाँ देखिए टेक्निकल टर्म्स हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स आपके पास आ रहा है हाइड्रोलिक्स को ही हम लोग अश्वेंस क्या बोलेंगे फ्लूड बोलेंगे फ्लूड मैकेनिक्स बोलेंगे हाइड्रोलिक्स बोलेंगे हाइड्रोस्टेटिक एंड डायनेमिक्स जैसे आपने पढ़ा होगा कि मोशन में आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा तो अश्विन स्विस्पका के मैकेनिक्स आप एक सब्जेक्ट पढ़े होंगे मैकेनिक्स में भी आप जानते हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पोर्सन होती है इस प्रकार की यहाँ फ्लूड में भी हम लोग हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स दो आ, पार्ट को कवर करेंगे और दोनों को डिटेल अप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक्स देखेंगे अब देखिए जैसे मैं आपको बताया जल ही जीवन है मीन्स वाटर इज लाइफ तो सिमिलरली अप्लीकेशन हाइड्रोलिक्स का बहुत वाइटल अप्लीकेशंस है अगर हम लोग के पास जीवन जीना है तो जल रहेगा ब्लड रहेगा शरीर में तो आप सर्वाइव कर पाओगे मिन्स इन्वयरमेंट में जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो आदर ह्यूमन बींग्स हो एनिमल्स हो या प्लांट हो पेड़ पौधा हो सब में क्या चाहिए जल जाइए अगर जल नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा डेड कर जाएगा तो अस्ट इस प्रकार के तो इस प्रकार के उसकी एप्लीकेशंस आपका अपने शरीर से लेकर के दे आर डिफरेंट मशीनरी है हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक जैक आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया तो ये बहुत प्रकार की डिवाइस डेली लाइफ में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर इसके एप्लीकेशन से इवेन आप इरिगेशन जो कहते हो खेती कहते हो इन्वयरमेंटल में आप हरे भरे जो पेड़ पौधे दिखाई देता है सब क्या है स्वयं वाटर पर ही है अगर वाटर नहीं रहेगा तो उसमें ग्रो नहीं होगी ग्रोथ नहीं कर पाएगा ये सारा चीज़ को हमको किस में पढ़ना है यूनिट वन में पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लू आप देखिए स्टूडेंट्स जैसे हम लोग का शरीर है तो पार्ट्स ऑफ ए बॉडी बोलते हो और हर एक बॉडी का आप देखते हो मेडिकल लाइन में उसकी स्टडी होती है नहीं तो मेडिकल वाले जितनी स्टडी हम लोग इसको कर रहे हैं उसको उतनी समझ में नहीं आएगा तो हम लोग इंजीनियरिंग वाले हैं इंजीनियरिंग फील्ड वाले हैं तो हम लोग को तो एटलीस्ट समझना है क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में आप देखते हो कहीं ब्रिज बनाना है कहीं इस प्रकार के ओपन चैनल बनाना है कैनल बनाना है रिवर बनाना है तो इस प्रकार के क्या है नंबर ऑफ आपको ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करना है सिविल लाइन में करना है तो आपको वाटर की इसकी प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज होना जरूरी है तो अब इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जैसे डेंसिटी हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया स्पेसिफिक uh, ग्रेविटी हो गया स्पेसिफिक वेट uh, हो गया वॉल्यूम हो गया डेंसिटी हो गया कंप्रेसिबिलिटी हो गया कोहेसन एडहेशन सरफेस टेंशन कैपेलिटी भिस्कोसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ भेस्कोसिटी जितनी की जितनी आप टर्म्स देख रहे हैं ऑल आर द क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड है आई समझ में तो इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में अध्ययन करेंगे जैसे आपको यहाँ आपको दिखा हाइड्रोलिक्स वर्ड है इस प्रकार के दो वर्ड से मिलकर बना है ओके okay. अब देखिए प्रेशर मेजरमेंट यूनिट वन आपका प्रेशर मेजरमेंट है तो यहाँ जैसे देखिए हाई प्रेशर कहाँ एक्ट हो रही है बॉटम में यहाँ देखिए प्रेशर का आपके पास जो है डिटेल दिखाया गया है एरो नीचे क्यों आया है स्टूडेंट्स मैं बताया कि फ्री सरफेस में यहाँ देखिए फ्री सरफेस है फ्री सरफेस पर प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स प्रेशर जीरो प्रेशर हम आप बढ़ते जाएगा कब जब डेफ्ट नीचे आएगा तो देखिए ये एरो दिया डेफ्ट में हाई प्रेशर आपका बॉटम में होगा इस प्रकार के लो प्रेशर अपर पोर्शन में होगा और यहाँ से देखिए पाइपलाइन है यहाँ से जेट फॉर्मेशन होती है जस्ट लाइक like आप देखिए ना सिंटेक्स टैंक का ले लो जो आप छत पर लगाते हो टैंक से पाइपलाइन लेते हो फ्लो कराते हो तो इस प्रकार के हम लोग डिफरेंट फ्लो में देखेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट मेजरिंग डिवाइस के थ्रू हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे अब देखिए प्रेशर मेजरमेंट एंड प्रेशर में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर हम लोग देखेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर गेज प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर वैक्यूम प्रेशर कंसेप्ट ऑफ प्रेशर हेड एंड इट्स यूनिट कोहेशन कन्वर्सन इंटेंसिटी प्रेशर प्रेशर हेड भाईस वसा सिंपल प्रॉब्लम लॉ एंड यूजेस यूजेंस तब अब मैं आपको पहले ही बताया कि कोई भी फ्लूड को स्टोर करने के लिए कंटेनर के चाहिए कंटेनर में जब आप स्टोर करेंगे तो उसमें क्या होगा प्रेशर एक्ट होगा ही फ्लूड अपना प्रेशर डालेगा ही डालेगा तो इस सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे और फ्लूड में आप पास्कल लॉ पढ़े होंगे लोअर क्लास पास्कल लॉ के हम साथ देखते हैं फ्लूड की इंटेंसिटी क्या होती है चारों ओर इक्वल होती है तो हम लोग डिटेल पास्कल पासकॉ को भी पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स का नॉलेज लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अब देखिए मेजरमेंट ऑफ डिफ्रेंशल प्रेशर बाय डिफरेंट मेथड अब कहीं कहीं पाइपलाइन में डिफरेंट पाइप से डिफरेंट तरह की फ्लूड की फ्लो होती है स्टूडेंट्स तो कहाँ पर किस प्रकार के फ्लूड की प्रेशर है उसके लिए डिफरेंट प्रकार के डिवाइसेज है जैसे मैं आपको बताया कि हम लोग के शरीर में ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्नोमीटर है उस प्रकार के डिफरेंट पाइप लाइन को मेजर करने के लिए अलग अलग डिवाइस का नाम है इवेन आप नाम सुना होगा बैरोमीटर तब बैरोमीटर से क्या कहते हैं स्टूडेंट्स जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं जैसे आप देखते हो थर्मोमीटर थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं इस प्रकार डिफरेंट डिवाइस की नाम होती है वो डिफरेंट डिवाइस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ जो जो वाटर का डेप्थ जाएगा प्रेशर वेरिएशन होगी उसकी भी डायग्राम के साथ हम लोग स्टडी करेंगे प्रेशर डायग्राम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इमर्स केस में जब हमारा कहीं पर भी वाटर में कोई बॉडी डूबा हुआ है या वर्टकल इंक्लाइंड या होराइजेंटल जो रखें डिफेंट केस में हम लोग स्टडी करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि कितनी सारा चीज़ आपको पढ़ना है अब ये सारा चीज आप पढ़ लेंगे तो आप में क्या होगी स्ट्रेंथ जनरेट होगा कि नहीं होगा स्ट्रेंथ आप खुद फील करेंगे कि नहीं हमें क्या है एक शक्ति आ गया हमें पावर हो गया नॉलेज आप जब गेन कर लेंगे तो नॉलेज स्ट्रेंथ हो जाएगा मीन्स आप अपने आप को प्राउड फील करेंगे नहीं मैंने लर्न किया है हाइड्रोलिक्स को अच्छी तरह से हमें एवरी टर्म्स के बारे में पता है कहाँ क्या अप्लीकेशन है उसके बारे में हमें पता है ओके डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेशन मीन्स फाइंड आउट करना उसकी वैल्यू को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पर किस पॉइंट पर कितनी प्रेशर लग रहा है टोटल प्रेशर का ऑवर और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगी साइड में कोई भेजल पर या टैंक के में या बॉटम में कितनी प्रेशर एक्ट होगी जब एक प्रकार के लिक्विड है या दो प्रकार के लिक्विड है तो उस केस में कितना प्रेशर एक्ट होगा इस सारा चीज की हम लोग स्टडी करेंगे ओके देखिए यहाँ अब यूनिट टू है पहला में आपने देखा स्टूडेंट्स की फ्लूड की प्रेशर मेजरमेंट एंड देयर डिवाइस के बारे में डिटेल स्टडी करनी है सेकेंड यूनिट है फ्लूड फ्लो पैरामीटर देखिए यहाँ एक्टिविटी में आपको फ्लूड का फ्लो दिख रहा है यहाँ पाइपलाइन से है यहाँ देखिए नोजल से फ्लूड की फ्लो हो रही है तो दैट मीन सस्पेंस जब फ्लूड की फ्लो हो रही है तो कब किस कंडीशंस में कहाँ पर कितनी प्रेशर से एक्ट हो रही है उसकी क्या हमारा पैरामीटर्स होगा उसकी डिटेल स्टडी करनी है ऑफ फ्लोड किस प्रकार के फ्लूड फ्लो हो रही है ग्रेविटी प्रेशर फ्लो है लैमिनार फ्लो है टर्बुलेंट है यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म स्टीडी नी रोटेशनल ई रोटेशनल अब रिनोल्स एक्सपेरिमेंट है रिनोल्स नंबर के अनुसार हम लोग जो है उसकी लेमिनार और टर्बुलेंसी को हम लोग पता करेंगे उसकी डिटेल स्टडी करेंगे डिस्चार्ज एंड इट्स यूनिट कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लो अब जब कोई पाइपलाइन से जब फ्लूड की फ्लो होगी तो किस क्वांटिटी में फ्लूड की फ्लो हो रही है इंट्रेंस क्या है उसका एग्जिट पोर्संस क्या है एग्जिट पर प्रेशर क्या है एग्जिट पर टेम्परेचर क्या है ये सारा चीज़ हम लोग को डिटेल स्टडी करनी है तो डिस्चार्ज एंड इस यूनिट उसकी यूनिट क्या होगी डिस्चार्ज को हम लोग किस यूनिट में मेजर करेंगे जैसे आप समय को देखते हो कि सेकंड में मेजर करते हो क्वांटिटी को हम लोग लीटर में मेजर करते हैं वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं इस पर क्या है कि हम क्या उसके लिए हमारा यूनिट होगा उसके बारे में स्टडी करनी है एनर्जी या फ्लोइंग फ्लूड पोटेंशियल कैनेटिक प्रेशर एनर्जी हमें कौन फ्लूड में किस प्रकार की एनर्जी है किस फोर्स के चलते उसकी मोशन हो रही है इसमें हम लोग फोर्स को कंसीडर करेंगे किसमें नहीं करेंगे ये सारा चीज को डिटेल स्टडी करनी है आई भाषण में देखिए यूनिट टू का फोर्थ पॉइंट आपको पढ़ना है बर्नोलिज थ्योरम जितनी थ्योरम है स्वयं समझिए कि कोई न कोई हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के नाम पर है जिन्होंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करके नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके हम लोग को एक कैलकुलेशन दे रखा जिसको हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं तो डैट इज बनोलिज थ्योरम स्टेटमेंट एज्यूमशन इक्वेशंस हम लोग ड्राइव करेंगे पढ़ेंगे मोमेंटम इक्वेशन सिंपल नोमरिकल प्रॉब्लम्स बेस ऑन एभव टॉपिक अब मोमेंटम क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे एभव एभव जितनी टॉपिक है सबको थियोरिकल विथ नोमरिकल हम लोग कवर करेंगे अब देखिए यूनिट थर्ड है फ्लो थ्रू पाइप अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए एक्टिविटी आपको फ्लो थ्रू पाइप से दिख रहा है जहाँ हमारा पाइपलाइन से फ्लूड की फ्लो होगी तो कहाँ पर किस प्रकार के देखिए मैनोमीटर डिवाइस लगा रहेगा कहाँ पर कितनी प्रेशर है सारा चीज हम लोग को इसमें स्टडी करनी है मेजर है अब मान लीजिए कहीं से भी फ्लूड की लिए फ्लो होगा स्टूडेंट्स तो कुछ लॉसेज होती है कहीं आता तो पाइप फिट करने में फिटिंग हमारा प्रॉब्लम है या कहीं बेंड है या कहीं आ, बड़ा डायमीटर हो गया पाइप का कहीं छोटा हो गया बड़ा हो गया बड़ा से छोटा छोटा से बड़ा इस प्रकार के सडन कंट्रैक्शन सडन एक्सपेंशन ड्यू टू फिटिंग ड्यू टू लॉस ड्यू टू मेजर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ये सब सारा चीज़ हम लोग मेजर हेड लॉस इन पाइप में देखेंगे फ्रिक्शन लॉस और दियर डारसी वाइस इक्वेशन मूडी डायग्राम ये सब के बारे में स्टडी करनी है माइनर लॉसेस फ्रिक्शन के चलते मेजर लॉस देखेंगे माइनर लॉस देखेंगे, देखेंगे लॉस एट इंट्रेंस कोई पाइप से जब फ्लू की फ्लो हो रही है तो देखेंगे वहां पर क्या लॉस हो रही है या एग्जिट हो रही है तो क्या लॉस हो रही है कहाँ पर बेंड है कहाँ पर डैमेज है ये सारा चीज हम लोग माइनर लॉस में देखेंगे फ्लो थ्रो पाइप्स इन सीरीज जब नंबर पाइप को सीरीज में लगाएंगे नंबर पाइप को पैल में लगाएंगे उस केस में हम लोग डुपैटिस इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे और पाइप की स्टडी करेंगे डिस्चार्ज की प्रेशर की मेजर करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल इनर्जी लाइन अब कहीं पर भी कोई डैम है स्टूडेंट्स, या कहीं कोई रिवर है या कैनल है कहाँ पर वाटर के क्या लेवल है टोटल इनर्जी वहाँ पर क्या अवेलेबल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होगी कहाँ पर किस प्रकार की एनर्जी लॉस होगी तो कितनी लाइन उसकी हमारा वहाँ पर मेकिंग होगा सारा चीज़ हम लोग तो डिटेल देखेंगे जब यूनिट में आएंगे तो वाटर हैमर इन पाइप कॉजेज इन रिमेडियल अब देखिए हैमर मीन्स हथौरा यहाँ हथौरा हमारा वाटर हैमर की अलग फंक्शन होती है जब कोई पाइप लाइन से फ्लोर की फ्लो हो रही है सडनली आप वहाँ जब रुकावट दे, दे देंगे तो वाटर हैमर की फॉर्मेशन होती है तो किस प्रकार की होती है वो डिटेल हम लोग उसमें जाएंगे तो देखेंगे डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस फॉर पाइप फ्लो अब पाइप से जो हमारा फ्लोर की फ्लो हो रही है तो उसके लिए जो डिवाइस का नाम होगा वो भेंचुरी मीटर डिवाइस उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी ऑरिफिस मीटर डिवाइस उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी पाइटोट डिवाइस उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी सारा मेजरिंग डिवाइस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे डिस्चार्ज मेजरमेंट यूजिंग ऑरिफिस हाइड्रोलिक कोपिशेंट ऑफ ऑरिफिस सिंपल नोमरिकल प्रॉब्लम ऑन द एव टॉपिक जितनी है सबको हम लोग थोड़ी विथ नोमिकल कवर करेंगे तो यह था आपका यूनिट थर्ड अब हम लोग आएंगे देखिए यहाँ नंबर ऑफ पाइपलाइन से फ्लूर की फ्लो हो रही है तो पाइप्स है ना या फ्लूर की फ्लो हो रही है नंबर ऑफ पाइपलाइन से हो रही है अब देखिए फ्लो थ्रू ओपन चैनल तो अब जब स्विंस पाइप से हो रही है तो फ्लो थ्रू पाइप बोलेंगे या रिवर या कैनल क्या होती है ओपन चैनल होती है वो तो क्लोज डक्ट नहीं होती है तो ओपन चैनल में जैसे फ्लड के समय बाढ़ के समय आप देखते हो पानी जो फ्लो हो रही है तो कहाँ पर पा किस प्रकार की कौन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स को रेसिस्ट करेगा कहाँ पर वाल के कंस्ट्रक्शन कहाँ पर डैम के कंस्ट्रक्शन कहाँ ब्रिज में किस सरफेस पर प्रेशर फोर्स लगे, सारा डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे वह है फ्लो थ्रू ओपन चैनल में द कम्पेरिजन ऑफ पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल पाइप में किस प्रकार का स्टडी करनी है ओपन चैनल जो रिवर है नदी नाला है उससे पानी की फ्लो हो रही है तो उसमें क्या हमारा होगा या कहीं टंकी वगैरह में आप देखते हो कोई कंटेनर है कंटेनर में होल कर दो तो उसे नोच हमारा फॉर्मेशन होगा इस पर कह के नोच एंड माउथ फॉर्मेशन और इफिस एंड माउथ फॉर्मेशन की हो जाती है उस केस में हमको स्टडी करनी है द कंपेरिजन ऑफ पाइप से ओपन चैनल से क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल की कितनी टाइप्स होती है किस आधार पर होती है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज चैनल सेक्शन कौन चैनल को हम किस रूप में कंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमारा लागत भी कम होगा ओके okay, तो ये सारा चीज के कंसीडर करते हुए हम लोग इसकी रेक्टेंगुलर ट्राइपल चैनल सेक्शन की कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज बाय चेसिस इक्वेशन एंड मैनिंग्स इक्वेशन ओपन चैनल के लिए हम लोग चेसिस इक्वेशन मैनिंग इक्वेशन का स्टैब्लिशमेंट देखेंगे उस पर नंबर को डील करेंगे कंडीशंस फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल एंड ट्रैपेजॉयल सेक्शन कहता है रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाएंगे तो हमें क्या लागत होगी ट्रैपेजॉयल सेक्शन बनाएंगे तो क्या लागत होगी सर तो उसकी कंपेरिजन हम लोग कंडीशंस देखेंगे स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम देखेंगे फ्रॉड नंबर देखेंगे एंड इट्स सिग्निफिकेशंस देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन जब हमें ओपन चैनल फ्लोट से फ्लो होती है या कोई फ्लू फ्लो होती है तो हम लोग फ्रॉड नंबर रिनोल्ड्स नंबर वेवर्स नंबर नंबर ये सारा नंबर के प्रक्यूट नंबर ये सारा नंबर के बारे में स्टडी करते हैं अब यूनिट फोर है फ्लो थ्रू ओपन चैनल के अंतर्गत ही देखिए यहाँ ओपन चैनल है आपका रिवर से ब्रिज से बैरिज से पानी निकलते हुए आपको दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार के ओपन चैनल में सारा चीज़ स्टडी करेंगे क्रिटिकल सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो इन चैनल हाइड्रोलिक जंप एंड इट्स अकरेंस इन द फील्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक जंप इस प्रकार का स्टेंस चैनल से फ्लो हो रहे थे कब क्रिटिकल कंडीशन है सुपर क्रिटिकल है अंडर क्रिटिकल है और जंप का क्या अकरेंस होगा इंजीनियरिंग फील्ड में क्या उसका एप्लीकेशंस है सारा डिटेल हम लोग लेक्चर में देखेंगे डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस ट्रेंगुलर एंड रेक्टेंगुलर नोज के लिए क्या होगा उसके लिए क्या इक्वेशंस होगी क्या कंप्रीजन होगी भी नोट क्या होगा किस प्रकार के उस पर एक्सपेरिमेंट होती है सारा डिटेल्स हम लोग यूनिट में आएंगे तो यूनिट में लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग कवर करेंगे वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइसेज करेंट मीटर फ्लोट्स एंड पैटो ट्यूब सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द एव टॉपिक यह था आपके पास यूनिट फोर अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ एक्टिविटी में दिख रहा है यहाँ देखिए सर्कुलर एक्टिविटी है यहाँ रेसिप्रोकेटर एक्टिविटी है इनकी टू एंड फ्रो होती है यहाँ देखें सर्कुलर है यहाँ क्या है स्लाइडिंग है टू एंड फ्रो है यानी कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स हाइड्रोलिक मशीन्स जो आप देखते हो घर से ले के आपका इंडस्ट्री में प्लांट में यूज होती है हाइड्रोलिक मशीन्स है घर में आप जैसे कम से कम आज के डेट में सबके घर में फ्रिज होती है आपके दवा है हाइड्रोलिक पंप होते हैं खेती करने के लिए या ट्रैक्टर वगैरह होती है तो उसमें हमारा सभी में डिवाइस होती है तो कहीं पर देखोगे जहाँ सर्कुलर पंप होती है उसको हम लोग रोटरी पंप बोलते हैं जहाँ रेसिपोकेटिंग होती है तो रेसि पंप बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पंप क्या है टाइप्स ऑफ पंप क्या है सेंटिफूगल रेसिपकेटिंग सबर्सेबुल समर्सेबल पंप जो आप लगाते हैं घर में एडवांटेजेज एंड डिस प्राइमिंग क्या है कोई पंप को चलाने से पहले आप देखते होंगे कि हम लोग पानी देते हैं एयर टाइट करते हैं एयर को रिमूव करते हैं दैट इज द प्राइमिंग है हम लोग डिटेल आएंगे टॉपिक में तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगी क्योंकि आज तो मैं आपको सिलेबस ओवरव्यू बता रहा है आपको केवल टर्म को दिखाने जा रहा हूँ कि किस यूनिट में क्या क्या चीज़ हम लोग को स्टडी करनी है सक्शन हेड डिलीवरी हेड स्टैटिक हेड मैनोमेट्रिक हेड ये सब टर्म क्या है इसको हम लोग एक के साथ फिगर के साथ स्टडी करेंगे पावर ऑफ सेंट्रीफोगल पम्प डी सी देंटीफोगल पम्प की क्या पावर होगी दिस इज द रिशोकेटिंग पम्प की क्या पावर होगी सक्शन एंड चॉइस ऑफ पम्प टर्बाइंस पावर प्लांट में जो टर्बाइन का आप नाम सुनने होंगे बॉयलर का नाम सुनेंगे वहाँ पर हमें क्या इसका यूटिलाइजेशन है तो इस प्रकार के स्टूडेंट्स जो है आपके पास यहाँ जो टर्बाइंस में डिफिनिशन टाइप्स डिफरेंट बिटवीन पम्प एंड टर्बाइंस है इस टर्बाइंस में यानी कि फाइव यूनिट्स इस प्रकार के स्टूडेंट्स आपके पास अभी आपने देखा कि आपको फाइव यूनिट्स कवर करना है या हाइड्रोलिक्स दैट स्टूडेंट्स हाइड्रोलिक्स इज द वाइटल सब्जेक्ट ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड इंजीनियरिंग ब्रांच का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके बिना आप तो देख रहे हैं हम लोग के शरीर में ब्लड से लेकर के पानी जो लेते हो आप समझ रहे हैं डेली लाइफ में क्या इसका यूज है यानी कि जल ही जीवन है हाइड्रोलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपको इसको डेप्थ नॉलेज लेना है अच्छी तरह से स्टडी करनी है और अपने आप को आपको, आपको प्राउड फील करना है कि नहीं वी हैव टू लर्न द हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट हम लोग पढ़ा है और इस प्रकार के स्टूडेंट्स इस इसमें हाइड्रोलिक्स में आपके पास टर्म्स से आपके समझ में आ जाएगा कि हमें हार्डोलिक्स में डिटेल में क्या क्या पढ़ना तो इस प्रकार के हम लोग देखे आज सिलेबस का अभाव यू थैंक यू हम लोग फिर मिलते हैं लेक्चर बाय लेक्चर यूनिट में ओके थैंक यू